किसानों ने लगाए लेखपाल पर भूमि को अवैध बताकर भूमाफियाओं से चार्ज होने का आरोप। नगीना तहसील के ग्राम चौहड़वाला में सिख समाज के सैकड़ों लोगों ने उनकी जमीन को अवैध बताकर भूमाफियाओं से हमसलाह होकर गलत ढंग से कुछ लोगों ने बाहर के लोगों को बैनामा कर दिया है। आपको बता दें कि उस जमीन पर सिख समाज के 70 सालों से खेती करते आ रहे हैं। सिख समाज के लोगों ने बताया, हम 80 साल पहले पाकिस्तान से आकर यहाँ रह रहे हैं और खेती कर रहे हैं, लेकिन लेखपाल राजेंद्र बहादुर पर खेती की जमीन पर गाटा संख्या दूसरी दिखाकर इनकी जमीन को अवैध बता दिया गया है, जिससे कि सिख समाज लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सिख समाज ने इसकी शिकायत मंडला आयुक्त मुरादाबाद से और डीएम बिजनौर से भी की है। नवभारत समाचार जनपद बिजनौर से दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। कुलदीप जी, ये नगीना तहसील का गांव पड़ता है कुआखेड़ा, जनपद बिजनौर। क्या समस्या है आप लोगों की? सर, यहाँ पे समस्या ये है कि राजेंद्र बहादुर जो लेखपाल है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ियाँ कर रखी हैं। यहाँ पे कागजों में छेड़छाड़ भी कर रखी है, जबकि हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अब जो शासन का आदेश 1/2020 में हुआ था जी, कि शरणार्थियों के फार्म यहाँ पे भरे जाएं, जिसके एक कॉपी जो है किसान को दी जाए। आप अपनी जमीन पर कितने वर्षों से काबिज हैं? यहाँ पे कम से कम कोई 60 साल से भी है, कोई 70 से भी है, कोई 40 साल से भी है, लेकिन अपनी ही जमीन पर वो काबिज हैं, किसी की जमीन पर नहीं, अपनी जमीन पर वही आज तक जोत रहे हैं और उसी में कमा रहे हैं और उसी में खा रहे हैं। मजदूरी भी करते हैं। और अभी आप बता रहे थे कि आपकी जमीन को लेखपाल ने किसी भूमाफियाओं को बेच दिया है। हाँ, बेच रखी है, लेकिन हमारे को वो डाक जो गाटा संख्या जिस पर हम काबिज हैं वो ना दिखाकर कुछ दूसरे गाटा संख्या जो है वो दिखाए जा रहे हैं। हमारे को उस पर अवैध कब्जा दिखाया जा रहा है कि ये लोग अवैध कब्जा कर बैठे हैं किसी दूसरे किसानों के जमीन पर। इनकी बहुत ही विकट समस्या है जो मैं शासन तक पहुंचाना चाहता हूं। ये लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि इनकी जमीन जो 70 वर्ष से काबिज हैं उसको लेखपाल राजेंद्र बहादुर ने किसी भूमाफियाओं को बेच दिया है, और जो गाटा संख्या है इनकी जमीन का वो ना दर्शाकर कहीं और दूसरे की जमीन पर इनको अवैध कब्जा दिखाया गया है। क्या नाम है आपका? बलकार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ खड़ा के रहने वाले। तहसील नगीना। अच्छा, आज जो समस्या है जिसको लेकर यहाँ प्रदर्शन हुआ है, क्या है पूरा मामला? हमें ये जमीन हमारी जो पटवारी ने साहब बेच दी, जितनी भी है ना, नरेंद्र बहादुर ने साहब बेच दी है। तो जमीन पर कौन काबिज है? हम हैं, जितने भी आए हैं सब हम काबिज हैं। जमीन पर आपका कब्जा है? हाँ जी, हमारा कब्जा है। किन लोगों को बेची है जमीन? अब पता नहीं किसी, कोई ऊपर का खुआ खड़े गए, कहीं गए नगीने का, कहीं गए कोई बाहर के लोग, बाहर के लोग भूमाफिया को जमीन बेच दिया। आपको कब जानकारी हुई इसकी? हमें जानकारी अभी हो गई, थोड़े दिन ही होएंगे। सारे अनपढ़ लोग कहेंगे हैं, तो जानकारी अभी है, जब भी इसने जमीन पता चला ना, भाई इसने बेच दी जमीन। लेखपाल ने हमसाज होकर भूमाफिया को जमीन बेच दिया, सबको बेच दी जमीन। कितने वर्षों से काबिज हो यहाँ पर? हम यहाँ कोई 70 साल का, कोई 75 का, कोई 40 का बायस है। क्या नाम है आपका? सर गुरुनाम सिंह नाम है। गुरुनाम जी, ये जो आज प्रदर्शन हुआ है तहसील नगीना के ग्राम कुआखेड़ा में, क्या है पूरा मामला? सर ये ना, हम जब ये भारत और पाकिस्तान का विस्थापन हुआ था ना, तो सर उसके बाद हमारे जो पूर्वज थे वो भारत में आए थे ना, तो और ये इस ज़मीन पर आके काबिज हुए थे। ये सरकारी ज़मीन हैगी, इस पर काबिज हुए थे, जिसको हमने उखाड़ खूड़ के सही करके बंजर भूमि को उपजाऊ बना। तो वो हमारे यहाँ चकबंदी आई थी 1985 में। सर 1985 में कुछ लोगों ने यहाँ पे उस पर रोक लगवा दी थी चकबंदी होने पे। उसके बाद क्या हुआ कि ये 89 में हमारे कब्जे भरे गए थे, जो है ना मतलब भारत पाकिस्तान से आए थे उनके कब्जे भरे गए। तो वो कागज आपके पास होंगे अभी? जी हैं हमारे पास। तो अभी क्या मामला है? सर है ना, वो उसके बाद है ना, ये 2020 में शासन के आदेश हुए थे कि जो भारत से वहाँ से आए थे पाकिस्तान से, तो उनके पास अगर सरकारी ज़मीन हैगी तो उनके नाम दर्ज की जाए, और उनका ब्यौरा मांगा गया था। तो सर है ना, हमारे यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया ना, जिसका हमने अपने आप ही ना ये परिश्रम करा और फार्म भरे थे, और फार्म जाके हमने तहसील में जमा करवा दिए थे। फिर उसके बाद है ना, लेखपाल ने उस पर गाटा संख्या, अवैध गाटा संख्या डालकर हमारे जो नंबर सही थे वो नहीं डाले उन्होंने, और दूसरे नंबर दूसरे किसानों के डाल के ना दिखा दिया कि इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है।
आपकी जमीन किसी भूमाफिया को बेच दी? ये जो हमारी जमीन थी ये और लोगों को बेच रखी जो बाहरी हैं, जैसे कोटद्वार हुआ, काशीपुर के हुए, अन्य नगीना के हैं, कई लोग हैं जिन्होंने कई करोड़ों रुपए का लोन भी करवा रखा सर। तो ये हमारी समस्या बहुत बड़ी है ना, अगर है ना हमें तो इसकी शिकायत किन लोगों से आपने की है? सर हमने कमिश्नर साहब को करी है और डीएम साहब को और एडीएम साहब को दे रखी हमने है। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। आज कुआखेड़ा में तहसील नगीना में जो प्रदर्शन हुआ है, क्या है पूरा प्रकरण? सर पूरा प्रकरण ये है कि जो राजेंद्र बहादुर है उन्होंने कि यहाँ की जो जमीन काश्तकारों की है, किसानों की है, वो किसी दूसरा बाहरी बंदे जो हैं, बाहर के लोग हैं, उनको बेच रखी हम सहयोग कर काफ़ी मोटी रकम से लेकर उनसे। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की? हमने इसकी शिकायत डीएम साहब को कर दी है, एडीएम साहब को भी की है, एसडीएम को भी की है। क्या क्या आश्वासन दिया कि हो जाएगा, तुम्हारी जांच चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, हो जाएगा, लेकिन एक साल हो गया अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उन पर, राजेंद्र बहादुर पे भी। तो राजेंद्र बहादुर लेखपाल ने भूमाफिया को जमीन बेच दी? हाँ, भूमाफिया को बेच दी काफ़ी मोटी रकम लेकर।